अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, एक बार फिर माजरत के साथ काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसका वजह ये है कि काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि सेटअप को थोड़ा सा बना लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारा सेटअप मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर हमारे टर्की बर्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही धूप आएंगे तो मैं एक बार इन लोगों को ज़रूर नहलाऊंगा ताकि और सफ़ेद चमक जाए। और एक न्यूज़ आप लोगों को और देना चाहता हूँ, एक नहीं बल्कि तीन चार न्यूज़ और देना चाह सुना दिखाना चाहता हूँ। पहला जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने डग्स भी लेके आए हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर एक ही बहुत बड़ा सा मुर्गा, असील मुर्गा जो कहते, वही भी लेके आया हूँ। दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। इसके पर वगैरह थोड़े से टूटे हुए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वापसी ठीक हो जाए। और यहाँ पर हमारा फाइटर भी दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, बस लड़ने के लिए इनको सिर्फ ही बाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 20 के करीब पियर आ चुके हैं, 10 पियर तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, और बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और भी लेके आऊँगा। तो ये तो हो गया ये सरप्राइज, और इसके बाद दूसरा सरप्राइज वाइट डव भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है माशाल्लाह से, काफ़ी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये लोग आपस में बस लड़ने के लिए काफ़ी तैयार है, ये मुर्गों का तो यही जगह ख़राब है। और यहाँ पर एक और पेयर अल्हम्दुलिल्लाह चाइना डब का आया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले इन लोगों के लिए वो टोकरी जो नीचे दिखाई दे रही है, वही टोकरी इन लोगों के लिए लगाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, इनके लिए वही टोकरी लगा दी है, और इन लोगों के लिए माशाल्लाह पहले से ही लगाया हुआ है टोकरी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक टोकरी वो पीछे पड़ा हुआ है और एक ये दिखाई तो दे रहा है। अब इसके बाद जो रह गए ऑस्ट्रेलियन पेरोट्स, मेरे ख्याल में यहाँ पर अभी भी एक फीमेल अंदर है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, नहीं है फिलहाल तो कोई फीमेल वगैरह नहीं है भाई। और ये जगह जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तीन फर्शन बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी इंशाल्लाह कबूतर आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और नीचे आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर हमारे जो मुर्गियाँ होंगे इंशाल्लाह यहाँ पर वो अपने अंडे देंगे। और ये जगह माशाल्लाह से रैबिट ने अपने लिए नेस्ट बनाया हुआ है। इस टोकरी, इस पार्सल में मैंने बर्ड्स वगैरह लेके आए थे, इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है इसका, देखो सारे पर वगैरह है, काटा भी है मेरे ख्याल में। तो खैर, इसको वापस उधर रख देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये कुछ दो तीन दिन हो रहे थे कि इलेक्शन का मौसम था, इसी वजह से इलेक्शन जारी था, मैं कुछ नहीं कर सका। और अभी तो माशाल्लाह से सभी इज्तिमा भी नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर दोस्त के साथ शेयर किया करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। हमारा मुर्गा पता नहीं क्यों ऐसा परेशान परेशान से दिख रहा है, मेरे ख्याल में नया है इसी वजह से। और वो आप लोगों को दिखाई तो दे रहे हैं, वो बस लड़ने के लिए फुल बेताब है। और रेबिट वगैरह ने अभी तक बच्चे पता नहीं क्यों नहीं दिया है, और फीमेल ये बैठा हुआ है और फीमेल वो नीचे दिखाई तो दे रहा है, वही वहाँ पर बैठा हुआ है। अब इनके लिए अपना खुराक वगैरह रखता हूँ ताकि ये लोग अपना खुराक अपने मर्जी से कर ले, और ऑस्ट्रेलियन पेरोट आपस में लड़ रहे पता नहीं क्या वजह है। तो दुआओं में याद रखना दोस्तों, अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।